हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये छोटी सी वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, अपने मन और बजट दोनों ही बना लिया है, तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें वरना बहुत पछताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो लाल वाले बटन है उसे क्लिक कर देना। आप लोगों को क्या जाता है, बस एक क्लिक ही तो करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। 1 अप्रैल से भारत की जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उन्होंने अपने ईवी स्कूटर्स का प्राइस बढ़ाया है EMPS इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के तहत। इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस बढ़ाने के पीछे जो EMPS मतलब इलेक्ट्रिक प्रमोशन स्कीम लगाया गया है, इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार द्वारा पेश किया गया है, क्योंकि 31 मार्च 2024 में फेम 2 स्कीम खत्म हो चुका है, उसके बाद ही EMPS को इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे बिक्री पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये सुनने को आया है। इस स्कीम के अनुसार ₹10,000 तक सब्सिडी मिलने वाला है इलेक्ट्रिक स्कूटर पर, जो कि फेम 2 से काफ़ी कम है। अभी तक अथर, बजाज, TVS और विडा ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस अनाउंस कर दी है, तो चलिए वो जान लेते हैं कि कौन से स्कूटर की कितनी प्राइस है अभी। हालांकि ओला ने 15 तारीख तक अपने स्कूटर्स की प्राइस अनाउंस करने वाले थे, जैसे ही वो डिटेल्स मिल जाएगा आप लोगों को बता देंगे। तो शुरू करते हैं एथर से। एथर 450S की न्यू प्राइस है ₹1,26,100, जो पहले था ₹1,10,100। एथर 450X 2.9 किलोवाट की न्यू प्राइस है ₹1,41,100, जो पहले था ₹1,38,100। एथर 450X 3.7 किलोवाट की न्यू प्राइस है ₹1,55,100, जो पहले था ₹1,45,100। बजाज चेतक अरबानी की न्यू प्राइस है ₹1,23,100, जो पहले था ₹1,15,100। बजाज चेतक प्रीमियम की न्यू प्राइस है ₹1,47,100, जो पहले था ₹1,35,100। TVS iQube इसकी न्यू प्राइस है ₹1,37,100, जो पहले था ₹1,34,100। TVS iQube S की न्यू प्राइस है ₹1,46,000 और जो पहले था ₹1,40,100। हीरो विडा V1 Plus की न्यू प्राइस है ₹1,20,100, जो पहले था ₹1,15,100, मतलब ₹5,000 बढ़ाया गया है। हीरो विडा V1 Pro की न्यू प्राइस है ₹1,50,100, जो पहले था ₹1,46,100। तो अभी तक इन स्कूटर्स की प्राइस की डिटेल्स मेरे पास है, मैंने आप लोगों को बता दी है कि इतना प्राइस बढ़ाया गया है, इतना प्राइस पहले था और अभी इतना प्राइस है। और ओला की डिटेल्स अभी तक मेरे पास नहीं है, जैसे ही वो आ जाएगा आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे कि नहीं। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।